हेलो एंड वेलकम टू बेसिक माइनिंग बाय शरद सपकाल। फ्रेंड्स, दिस इज लेक्चर नंबर 54 एंड वी आर कंटिन्यूइंग विथ ब्लास्टिंग पैरामीटर्स। 53 में भी हमने इसको डिस्कस किया था और यहां पर भी हम इसको थोड़ा सा तफसील में डिस्कस करेंगे। किसी भी माइन का सबसे पहले हमें प्रोडक्शन डिसाइड करना होता है। एग्जाम में भी सवाल आता है तो दिया होता है कि इतना प्रोडक्शन हमको सालाना देना है। नाउ वंस द प्रोडक्शन इज डिसाइडेड, हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें ड्रिलिंग मशीन कौन सी इस्तेमाल करनी है। जो मशीन मार्केट में अवेलेबल है ये हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि किस डायमीटर के होल लगाने वाली मशीन हमें चाहिए और उसके ऊपर सारी चीज़ें, लोडिंग मशीन, ट्रांसपोर्ट मशीन, ये सारी चीज़ें बाद में उसके मैचिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बेंच की जो हाइट है ये एक बार अगर आपका होल का डायमीटर तय हो गया, अब मान लीजिए कि 100 mm का डायमीटर है तो आप उसमें 10 मीटर की बेंच नहीं रख सकते। यू विल नॉट गेट द प्रॉपर रिजल्ट, वो पूरी तरह से ब्लास्ट भी नहीं होगा। तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि डायमीटर के अनुसार हम बेंच के हाइट रखेंगे क्योंकि हमें प्रोडक्शन उसी हिसाब से चाहिए। स्मॉलर अगर बेंचेस हैं तो स्मॉलर डायमीटर के होल चाहिए। और जनरली ये होता है कि डायमीटर ऑफ होल के 60 गुना हमारी जो बेंच की हाइट होती है उसको रखा जाता है। और इसके जो बर्डन है ये समझ लीजिए 60% ऑफ द बेंच हाइट ऐसा रखा जाता है, लेकिन ये बहुत फिक्स नहीं है। एक्सेसिव अगर बेंच की हाइट रखी जाए तो टो फॉर्मेशन यानी कि जो होल का निचला हिस्सा है वो ठीक से नहीं टूटेगा और स्टंप रह जाएगा वहां पर। बेंच हाइट प्रोडक्शन के अनुसार और मशीनों के अनुसार ये बहुत ही स्टैंडर्डाइज चीजें हैं कि किस प्रकार के कितने प्रोडक्शन के लिए हमको क्या बेंच हाइट चाहिए और उस हिसाब से हम डायमीटर ऑफ होल भी तय कर लेते हैं। जहां तक स्पेसिफिक चार्ज का सवाल होता है तो ये एक्सप्लोसिव कंसम्पशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रॉक होता है, यानी हाउ मच क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव इन केजी इज रिक्वायर्ड टू डिसलॉज अ मीटर क्यूब ऑफ रॉक। तो ये कुछ डिसाइड करते हैं आरएमआर रेटिंग के ऊपर रॉक के। आरएमआर यानी रॉक मास रेटिंग जिसको कहते हैं। तो ये आरएमआर वैल्यूज यहाँ दी हुई है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे इसकी वैल्यूज कम हो रही है ये एक प्रकार की रॉक की स्ट्रेंथ का ही इंडिकेटर है। और ये यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर ये रेटिंग है तो हमें स्पेसिफिक चार्ज कैसे रिड्यूस हो रहा है आरएमआर की रिड्यूशन के साथ साथ। उसी प्रकार रॉक क्वालिटी डिजिग्नेशन ये भी एक पैमाना है, आरक्यूडी जिसे कहते हैं, वो भी डिसाइड करता है कि हमें कैसा स्पेसिफिक चार्ज लगेगा। तो ये एक मोटा मोटी टेबल दिया हुआ है विच यू कैन रीड। इंक्लिनेशन ऑफ होल, कई बार हम देखते हैं कि इंक्लाइंड जो होल होते हैं वो टो प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने में या टो प्रॉब्लम्स को डील करने के अंदर बहुत काम करते हैं, क्योंकि जो जो बेंच का फेस है वो जनरली इंक्लाइंड होता है और बर्डन को सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इंक्लाइंड होल होना आवश्यक होता है ऐसी सूरत में। तो इन केस ऑफ इंस्टेड ऑफ हैविंग वर्टिकल होल्स, इंक्लाइंड होल्स आर प्रेफर्ड। वर्टिकल होल्स में ड्रिलिंग आसान है क्योंकि मशीन को एक विशेष एंगल में रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, होल की लेंथ भी रिड्यूस हो जाती है। इंक्लाइंड होल में होल की लेंथ बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से हमें डिसाइड करना होता है कि हम कैसे प्रकार से इसको, और ये स्लोप ऑफ द बेंच है उसी के अनुसार इंक्लाइंड शब्द होल भी रखा जाता है ताकि थ्रू आउट द लेंथ ऑफ होल बर्डन इज यूनिफॉर्म। यहां देखिए कि लेफ्ट साइड में वर्टिकल ड्रिलिंग दिखाई गई है जबकि फेस का प्रोफाइल जो है वो ऐसा कुछ होता है, उबड़ खाबड़ तो होता ही है और साथ में ये इंक्लाइंड होता है, मीन्स इट इज नॉट ऑलवेज वर्टिकल, वर्टिकल होता ही नहीं है अक्सर।
तो ये कुछ ऐसा होता है और इसकी वजह से नीचे बर्डन बढ़ रहा है। अगर वर्टिकल होल रहेगा तो यहां देखिए ये वाला बर्डन ऊपर का कम है और जबकि नीचे का बर्डन मैक्सिमम है। लिए यूनिफॉर्म रखने के लिए ही ये इंक्लाइन ड्रिलिंग की गई है। ये इंक्लाइन ड्रिलिंग की गई है, यहां देखिए तो बर्डन इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म और इसमें सबग्रेड ड्रिलिंग भी की गई है थोड़ी सी। तो ये एक तरीका है बर्डन को यूनिफॉर्म रखने का और इफेक्टिव ब्लास्टिंग को हासिल करने का। बर्डन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है आफ्टर डिसाइडिंग द डायमीटर ऑफ होल, और ये वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो फ्री फेस से होल के बीच में है, जो नज़दीक की सबसे नज़दीक की जो फ्री फेस है उसमें और होल के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड बर्डन। और ये बहुत कम नहीं होना चाहिए, बहुत ऑप्टिमाइज करना होता है इसको। इफ़ द बर्डन इज टू स्मॉल, बहुत छोटा अगर कम अगर बर्डन रखा है तो जो एक्सप्लोसिव गैसेस है वो पूरी तरह से एफिशिएंटली काम नहीं करेगी, एयर ब्लास्ट होने की, फ्लायर ऑफ होने की पूरी संभावना होती है। उसी प्रकार अगर बर्डन को हमने ज़्यादा रखा तो पुअर फ्रैगमेंटेशन आएगा, सही फ्रैगमेंटेशन नहीं आएगा। दूसरी तरफ ग्राउंड का वाइब्रेशन हो सकता है, उसके शॉक्स पीछे साइड में बैक साइड में होल के जा सकते हैं और वो उस ग्राउंड को वाइब्रेशन से प्रभावित कर सकता है। जनरली ये 30 to 40 times डायमीटर ऑफ होल रहता है और इसका हाइट ऑफ बेंच से भी रिलेशन है। हाइट ऑफ बेंच से ये आधा या पौना रह सकता है। क्रिटिकल बर्डन वो बर्डन है जिस पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है लेकिन फ्रैक्चर जरूर पैदा हो जाता है। रॉक मूव नहीं करती है लेकिन रॉक गेट्स फ्रैक्चर्ड। तो ये जाहिर है कि जो हम यूज करते हैं बर्डन उससे थोड़ा ये ज्यादा होता है, और ताकि हमको तो डिस्प्लेसमेंट की भी जरूरत है ताकि डिसलॉज हो जाए मटेरियल, हैंडलिंग में आसानी रहे। तो क्रिटिकल बर्डन इज मोर देन दी एक्चुअल बर्डन दैट वी आर यूजिंग। बेंच हाइट अगर डिसाइड हो जाए तो बर्डन कैन बी गिवन बाय 0.1 अंडर रूट ऑफ डी इंटू एल। डी डायमीटर ऑफ होल है और एल ये बेंच की जो हाइट है दैट इज गिवन इन दी एल। बर्डन को डिटर्मिनेशन करने के लिए लिविंगस्टन एक क्रैटर थ्योरी है। क्रैटर यानी एक कोनिकल शेप जिसको होता है, जैसे कि ज्वालामुखी का मुंह होता है क्रैटर शेप का, तो वो कहलाता है। इसमें ये करते हैं कि बर्डन डिसाइड करने के लिए वर्टिकल होल्स ग्राउंड में लगाए जाते हैं डिफरेंट डेप्थ के, एक ही प्रकार के फॉर्मेशन में, और इनको कोई दूसरा फ्री फेस नहीं है सिवा आसमान के तरफ यानी ऊपर की तरफ, सिवा अपवर्ड देर इज नो अदर फ्री फेस ऑन दिस साइड। तो वेरिंग डेप्थ के हम जब होल लगा लेते हैं और उसमें स्फेरिकल चार्ज चार्ज किया जाता है बॉटम ऑफ द होल में। स्फेरिकल चार्ज से तात्पर्य है कि जो चार्ज की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 6 times द डायमीटर ऑफ द चार्ज या डायमीटर ऑफ द होल, और डिफरेंट डेप्थ में उसको चार्ज करके उसको ब्लास्ट किया जाता है और ये देखा जाता है कि कहाँ पर किस प्रकार का क्रैटर फॉर्म हुआ है भी या नहीं हुआ है। क्रिटिकल डेप्थ से तात्पर्य ये है कि क्रैटर का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हमको मिल जाता है। जहाँ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ क्रैटर मिलेगा, क्रैटर होगा, उसे हम क्रिटिकल डेप्थ ऑफ जो चार्ज है वो मानेंगे, और वो हमारा बेसिकली बर्डन कैलकुलेट करने के लिए होता है। बियॉन्ड द क्रिटिकल डेप्थ, जैसे क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा हो जाएगा तो रॉक बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी, रॉक में कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा, और अगर कम रहेगा तो फ्लाई रॉक्स तैयार हो जाएगी। तो वो डेप्थ जिसमें फ्रैक्चर्स पूरे हुए हैं और देर इज नो मूवमेंट ऑफ मटेरियल, बट जिसमें पूरा जो रॉक मास है वो फ्रैक्चर्ड हो चुका है दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल डेप्थ। तो क्रिटिकल डेप्थ में मैक्सिमम वॉल्यूम हमको मिलता है
जैसे जैसे थोड़ा उसको बढ़ाते जाएंगे तो क्रैटर का वॉल्यूम धीरे धीरे कम होते जाएगा और एक समय आएगा कि क्रैटर फॉर्मेशन ही नहीं होगा। ये जो डिस्टेंस होता है इसको कई बार बर्डन डिसाइड करने के लिए काम में लेते हैं। पहले इसके ऊपर करके देखते हैं, फिर उससे थोड़ा सा रिड्यूस करके देखते हैं और उस हिसाब से साइट के ऊपर बर्डन को डिसाइड करते हैं। तो ये एक तरीका है। सो क्रिटिकल बर्डन इज दैट बर्डन एट विच द मटेरियल इज कम्प्लीटली फ्रेगमेंटेड बट देर इज नो डिस्प्लेसमेंट, यानी उसमें कोई थ्रो नहीं हो रहा है। यहां देखिए आप कि ये डिफरेंट होल्स लगाए गए हैं। मान लीजिए ये एक होल लगाया इन्होंने यहाँ पर, और ये चूंकि छोटा होल लगाया है और यहाँ पर आपने स्फेरिकल चार्ज किया और ये ब्लास्ट हुआ तो सारा फ्लाई रॉक्स ऊपर चला गया, ये हमें नहीं चाहिए। यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्रैटर भी कम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक ऑप्टिमम आपको डेप्थ मिली है जो सही डेप्थ है और इसमें कोई थ्रो भी नहीं है बाहर, और पूरा मटेरियल मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ क्रैटर दे रहा है, पूरा मटेरियल भी डिसलॉज हो गया है। जबकि आपने अगर फिर से इसको बढ़ाया डेप्थ को तो यहाँ आपको थोड़ा सा क्रैटर छोटा सा दिख रहा है, यहाँ बिल्कुल नहीं के बराबर है और यहाँ है ही नहीं। तो जैसे जैसे हम इसकी डेप्थ बढ़ाते जाएंगे स्फेरिकल चार्ज की तो हमें वो फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा मिलना और किसी प्रकार का नतीजा ऊपर सरफेस पे नहीं दिखेगा। तो ये एक वो लिविंगस्टन के फार्मूले के अनुसार निकालने का जरिया है। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि देखिए ये फ्री फेस है और इस प्रकार से ये होल्स लगे, ये स्पेसिंग है, बर्डन है, और यहाँ देखिए ये होल के अंदर ये पीला जो दिख रहा है ये कॉलम चार्ज कहलाता है, यानी कि ये मेन चार्ज है जो मैक्सिमम क्वांटिटी में डलता है, और ये नीचे कोई भी प्राइमर एक्सप्लोसिव होता है जहाँ तक आपकी डिटोनेटिंग कॉर्ड या नॉनेल की जो ट्यूब होती है वो गुजरती है, और ये पोर्शन स्टेमिंग का है, ऊपर का इतना पोर्शन स्टेमिंग का है, और ये होल्स यहाँ पर सीधे दिखाए गए हैं, और ये सबग्रेड ड्रिलिंग यानी कि बेंच हाइट से थोड़ी सी ज़्यादा ड्रिलिंग दिख रही है। यहाँ टो फॉर्मेशन जो होने की संभावना होती है वो इस सबग्रेड ड्रिलिंग से कम होती है या फिर नहीं के बराबर होती है। ये देखिए कि कई बार ये जो टो फॉर्मेशन, इसको स्टंप भी कहते हैं, ये इस प्रकार से ये फ्लोर के ऊपर आ जाता है, यहाँ लोडिंग के समय बहुत दिक्कत होती है और फिर यहाँ पर अलग से डिग्री ड्रिलिंग करके इसको निकालना होता है। यहाँ जैसे ओवरब्रेक हो गया तो ये ऐसा भी हो जाता है कई बार, ये फिर दूसरे सक्सेसिव होल्स के लिए भी दिक्कत पैदा करता है। यहाँ देखिए ये इंक्लाइंड होल रहने से जो बर्डन का डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूनिफॉर्म हुआ है, और यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार से स्थिति दिखाई गई कि यहाँ से फ्लाई रॉक्स निकलने की संभावना हो गई, यहाँ बर्डन कुछ कम हो गया क्योंकि ये प्रोफाइल थोड़ा इस प्रकार से घूम सा गया है। यहाँ देखिए ये एक्सेसिव बर्डन हो गया क्योंकि आप देखिए ये यहाँ पर जो चार्ज है उसके लिए ये बहुत भारी पड़ेगा इसको निकालना, डिसलॉज करना, यहाँ पे बर्डन कम है। यहाँ पर देखिए ये इसमें दिखाया गया है कि एक्सेसिव फ्री फेस इधर मिल गई है इसको, तो इस प्रकार से बैक ब्रेक भी उस होल के अंदर हुआ है। तो ये ऑप्टिमम फ्री फेस होना चाहिए और डिज़ाइन भी इस प्रकार से हो कि फ्लाई रॉक्स की, वाइब्रेशन की, ओवरब्रेक की, हैंगओवर की, जैसे ये हैंगओवर हो गए, ये पोर्शन जो है यहाँ जो दिख रहा है ये ऊपर लटका हुआ पोर्शन है, समझ लीजिए यहाँ ब्लास्ट भी हुआ है, ये पोर्शन बाहर निकला हुआ जैसे दिख रहा है और ये ओवरब्रेक हो गया है, तो दैट शुड ऑल्सो नॉट हैपन। ऐसी चीजों को भी ढंग से डील करना जरूरी होता है। स्पेसिंग जो है वो जैसे एक रो के अंदर दो होल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने पहले भी बताया आपको, ये बर्डन से ज्यादा होता है और रेशो बर्डन स्पेसिंग टू बर्डन 2.2 1.5 भी हो सकता है, तो ये इस प्रकार से रहते हैं और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। स्टेमिंग जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है, अदरवाइज जो गैसेस है एक्सप्लोसिव की गैसेस जो निकलेगी वो एस्केप आउट हो जाएगी और ये अपना जो वर्क करना है इसको वो मैकेनिकल वर्क नहीं करेगी, और आउटबर्स्ट ऑफ रॉक हो सकता है, शॉक वेव्स हो सकते हैं अगर एक्सेसिव स्टेमिंग हो गई तो
तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नियर द माउथ ऑफ होल इज टू बी कंसिडर्ड। यहाँ पर हमें ड्रिल कटिंग जो होती है वही बहुत अच्छा स्टेमिंग मटेरियल माना जाता है। पहले के समय पर यह सोचा जाता था कि स्टेमिंग के लिए मिट्टी का या ऐसी चीजों का जिसके अंदर थोड़ी प्लास्टिसिटी हो, ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन आजकल ये देखा गया है कि ड्रिल कटिंग्स ये बहुत अच्छा जरिया है, और चूंकि होल जहाँ होता है वहीं ड्रिल कटिंग जमा भी हो जाती है, तो उनका उपयोग हम स्टेमिंग के लिए कर सकते हैं, क्योंकि उन रॉक पीसेस के अंदर जो नुकीले वो सीरे होते हैं उसकी वजह से होल के अंदर एक फ्रिक्शन पैदा होता है, तो इट डजंट अलाउ द गैसेस टू एस्केप आउट। ये स्टेमिंग की जो हाइट है ये 1.3 ऑफ द होल लेंथ जैसा लिखा है यहाँ पर, तो इस प्रकार से डिफरेंट जगह पर आपको अलग अलग ढंग से आप इसको दिखा सकते हैं। ये भी एक इन्होंने इम्पेरिकल ही ढंग से बताया कि 0.8 टाइम्स द बर्डन होना चाहिए या 20-30 टाइम्स द डायमीटर ऑफ होल होना चाहिए। ये इस प्रकार से स्टेमिंग हम डिसाइड कर सकते हैं। सबग्रेड ड्रिलिंग यानी जो हाइट ऑफ बेंच है उससे नीचे और भी थोड़ा ज्यादा होल लगाना, ये 8-12 टाइम्स द डायमीटर ऑफ होल हो सकता है। जनरली 10% से 12% 15% तक के बेंच हाइट के, मान लीजिए कि 10 मीटर का बेंच है तो आप 11 मीटर होल लगाइए ताकि 1 मीटर सबग्रेड ड्रिलिंग हो जाए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसको इसमें भी आप एक्सपेरिमेंट करके सही सबग्रेड ड्रिलिंग कितनी करनी वो डिसाइड कर सकते हैं, ताकि आपको ऑप्टिमम ब्लास्ट एफिशिएंसी मिले, क्योंकि ड्रिलिंग में भी पैसा बहुत खर्च होता है। एक्सप्लोसिव का चार्ज जो है वो आप कितना लगा रहे हो उसके अंदर, हर होल के अंदर पर मीटर व्हाट इज द चार्ज, उसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर जो रेडियस ऑफ द होल है उसको, उस हिसाब से मल्टीप्लाइड बाय लोडिंग डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव। लोडिंग डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव से तात्पर्य यही है कि 1 मीटर क्यूब ऑफ एक्सप्लोसिव का क्या वेट होगा टन में, मतलब उसकी जस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी आप समझ सकते हैं। एनफो की जहाँ 0.85 है वहीं 1.1 स्लरी की या इमर्शन की है, और एक्सप्लोसिव के जो चार्ज होते हैं वो जनरली ऊपर कॉलम चार्ज और नीचे बॉटम चार्ज या बेस चार्ज या प्राइमर चार्ज होता है। कॉलम चार्ज ये नॉन कैप सेंसिटिव होता है, जबकि प्राइमर चार्ज कैप सेंसिटिव होना जरूरी है, क्योंकि वही सबसे पहले इनिशिएट होता है। और एनफो के लिए 15-17% तक एक्सप्लोसिव चार्ज प्राइमर के रूप में लगता है, वेरस फॉर स्लरी इट इज 18-20% ऑफ द एक्सप्लोसिव चार्ज। तो प्राइमर जो है उसके अंदर हाई एक्सप्लोसिव के कार्ट्रिज शुमार होते हैं, और उसके अंदर डिटोनेटर या डिटोनेटिंग कार्ड लगाई जाती है, या उसके अंदर ऐसी व्यवस्था होती है कि आप डिटोनेटिंग कार्ड या डिटोनेटर लगा सकें। पाउडर फैक्टर एक एफिशिएंसी नापने का जरिया है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्सप्लोसिव कंज्यूम या द एक्सप्लोसिव इन केजी रिक्वायर्ड टू ब्लास्ट फ्यू टन्स ऑफ मटेरियल, मींस हाउ मेनी टन्स ऑफ मटेरियल कैन बी ब्लास्टेड विथ 1 kg ऑफ एक्सप्लोसिव, दैट इज द पाउडर फैक्टर। एक सिंपल मैंने उदाहरण दिया कि मान लीजिए 100 mm की डायमीटर का होल है, 6 मीटर हाइट है, और सबग्रेड ड्रिलिंग आपने 0.5 मीटर ली है, और बर्डन 4 मीटर स्पेसिंग 5 मीटर है, और लोडिंग डेंसिटी जो एक्सप्लोसिव की है मतलब उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है टन्स पर मीटर क्यूब में वो 0.85 है, यानी कि हम एनफो का इस्तेमाल कर रहे हैं। चार्ज लेंथ जो है 3 मीटर, यानी हम आधा होल जो है करीब करीब उसको चार्ज कर रहे हैं। स्टेमिंग 3.5 मीटर की है, क्योंकि सबग्रेड ड्रिलिंग भी इसके अंदर है आधा मीटर की। बल्क डेंसिटी ऑफ रॉक जो है 2.5 टन्स पर मीटर क्यूब है, जैसे कि लाइमस्टोन की जनरली होती है। तो एक होल जो ब्लास्ट होगा उसमें कितना मटेरियल निकलेगा, हाइट ऑफ द बेंच बर्डन इनटू स्पेसिंग इनटू जो उसकी डेंसिटी है बल्क डेंसिटी डी। तो 6 मीटर बाय 4 मीटर बाय 5 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मीटर, तो 300 टन एक होल से हमको निकल जाएगा।
जबकि एक होल में चार्ज कितना जाएगा, वही पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि 3 मीटर की हमको चार्जिंग करनी है। तो पाई और आर इज 100 mm, 100 mm को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 / 1000, दैट इज 0.1, तो पाई इंटू 0.1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर, तो इट कम्स आउट अबाउट दिस मेनी मीटर क्यूब ऑफ एक्सप्लोसिव, एंड दिस मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 0.85 इंटू 1000, दैट गिव्स 80 kg। सो 80 kg ऑफ एक्सप्लोसिव इज रिक्वायर्ड टू ब्लास्ट 300 tons ऑफ मटेरियल। पाउडर फैक्टर जो है हमारा 0.4 के आसपास आ रहा है, हालांकि ये फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव एंड अदर फैक्टर्स। तो यहाँ इसको डिले इंटरवल, जब आप होल्स मल्टीपल होल्स को ब्लास्टिंग करते हैं तो उनके बीच में कुछ टाइमिंग का गैप रखा जाता है, और ये माना जाता है कि जो ब्रोकन मास है वो 50 से 80 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ता है, उसकी स्पीड जो होती है मूवमेंट की एक बार ब्लास्ट होने के बाद में। तो इसलिए डिले इंटरवल बिटवीन दी रोज, डिफरेंट रोज जो है, कतारें जो है एक्सप्लोसिव होल्स की, उसमें 17 से 42 मिली सेकेंड का फासला होना चाहिए ताकि सफिशियंट टाइम मिल जाए पहली रो को ब्लास्ट होकर के उस मटेरियल को निकलने के लिए, ताकि सक्सेसिव रोज को क्लियर फ्री फेस उपलब्ध हो सके। अगर इन दी होल डिले है, यानी कि एक ही होल में 2-3 डिले रखे जा रहे हैं, तो इन दी होल डिले जो है वो 250 मिली सेकेंड से 450 मिली सेकेंड के उसमें आते हैं, और होल टू होल डिले जनरली 17 मिली सेकेंड से 42 मिली सेकेंड रखा जाता है। ये सारे होल का सम ऑफ ऑल इन द ऑल होल टू होल डिले, होल से होल के बीच का जो डिले है वो लेस देन इन द होल डिले होना चाहिए, ये ध्यान में रखना जरूरी है, वरना बाहर का तो ब्लास्ट हो, वो एक रो ब्लास्ट हो जाएगी, उसके अंदर का मटेरियल ब्लास्ट नहीं होगा। तो ये हमें इसको ध्यान में रखना पड़ता है, दैट इज इनिशिएशन ऑफ ऑल ब्लास्ट होल शुड बी डन बिफोर ब्लास्टिंग ऑफ फर्स्ट होल, यानी सारे होल्स तक करंट या शॉक वेव्स पहुंच जाए और इनिशिएशन पहले होल का होने के पहले उन तक पूरा करंट पहुंच जाए ताकि वो सब्सिक्वेंटली ब्लास्ट हो सके। इनिशिएशन सीक्वेंस कहते हैं, द पैटर्न इनिशिएशन शुड बी सच दैट मैक्सिमम फ्री फेस शुड बी अवेलेबल टू ब्लास्ट होल्स, सभी होल्स को उनके जरूरत के अनुसार उनका फ्री फेस उपलब्ध हो जाना चाहिए, मटेरियल सामने मूव हो जाना चाहिए जो सामने के होल से उनका, और डायरेक्शन ऑफ फ्री फेस जो है वो हमको उसी ढंग से डिसाइड करना होता है। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि नंबर ऑफ फ्री फेसेस को क्लियरली दिखाया गया है। यहाँ पर ऊपर वाले फोटो में देखिए कि एक फ्री फेस तो स्ट्राइक डायरेक्शन में, यानी कि समझ लीजिए ईस्ट के तरफ भी है, और दूसरा फ्री फेस साउथ की तरफ है। ये 4 होल्स दिखाए हैं, सिर्फ एक रो मैंने यहाँ दिखाई है, और ये इस प्रकार का एक खचका या बाइट जिसको बोलते हैं वो वैसा लेकर के चला जाता है। अब इन होल्स को, इस होल को इधर भी फ्री फेस है और इधर भी है, ये जब टूट जाएगा तो इस होल को भी इस तरफ फ्री फेस मिलेगा और इधर भी मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में हमको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है, ज़्यादा हमको जो पाउडर फैक्टर है वो भी मिलता है, क्योंकि यहाँ 2 फ्री फेसेस है, हमको अपवर्ड फ्री फेस की बात नहीं करनी है यहाँ पर। यहाँ देखिए कि यहाँ सिर्फ एक ही फ्री फेस है, यहाँ पर इस जगह पर एक ब्लास्टिंग की जा रही है, ये पूरा एक फेस है लंबा, जबकि ब्लास्टिंग हम सिर्फ इतने पोर्शन में ले रहे हैं। हो सकता है हमें यहाँ पर कोई सिलेक्टिव माइनिंग करनी हो, पर्टिकुलर ग्रेड का मटेरियल यहाँ से निकालना हो, तब हम इस चीज को रिसॉर्ट करते हैं, अदरवाइज जनरली इसी प्रकार से माइन प्रोग्रेस होती है। यहाँ नंबर ऑफ रोज ज्यादा भी हो सकती है, यहाँ पर भी ज्यादा हो सकती है, तो फिर वी शेप में स्टैगर्ड पैटर्न लगा करके ब्लास्टिंग होगी, यहाँ पर हम स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं,
नंबर ऑफ फेसेस टू है, तो ये फेसेस की संख्या जब बढ़ जाती है फ्री फेसेस की, तो उससे थोड़ा फर्क पड़ता है। यहाँ पर हमको उतनी प्रोडक्टिविटी या उतना पावडर फैक्टर नहीं मिलेगा, लेकिन ये सिलेक्टिव माइनिंग के लिए ये तरीका अख्तियार किया जाता है, और जहाँ यूनिफॉर्म ग्रेड में माइनिंग हो रही हो वहां पर इसी ढंग से हम चलते हैं। सीक्वेंसेस हम इसके बाद में देखेंगे, फायरिंग सीक्वेंसेस कैसे रहते हैं इसके बाद के लेक्चर के अंदर, तो यहाँ मैं इसको विराम दे रहा हूँ। इनिशिएशन सीक्वेंसेस हम बाद में देखेंगे, और विद दिस आई कंक्लूड लेक्चर नंबर 54 एंड वी विल कंटिन्यू द ब्लास्टिंग इन लेक्चर नंबर 55 एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।